बैठे में इन्होंने काफी बहादुरी का मैं तो कहूंगा कि एक एक्सेप्शनल करेज इन्होंने दिखाया। इसमें से परमार कार्य का उन्होंने किया, तो जो डीजीपी महोदय है इनके द्वारा भी कहा गया कि वो इन पे प्रशस्ति पत्र देंगे इनके उसके लिए, और मेरे द्वारा इनको कहा गया कि ये गन लाइसेंस का अगर अप्लाई करते हैं ये तो हम इनको गन लाइसेंस दिलाने में मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ से तुम भेजेंगे डीएम साहब से बात करके तो गन लाइसेंस दिलाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं 8 तारीख को शिवालिक नगर में अमन ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े बदमाशों ने एक धावा बोला था और लूट का वहाँ पर कोशिश की थी और काफ़ी माल लूट के भी ले गए थे। जो उसके मालिक हैं श्री प्रदीप कुमार, इनके द्वारा काफ़ी साहस का परिचय देते हुए एक बदमाश को उनपर पकड़ लिया गया था। इस बदमाश को पकड़ने से निश्चित रूप से पुलिस की जो काम था वो तुलनात्मक रूप से आसान हो गया। जो चीज़ हमको 2 दिन बाद लीड मिलती वो हमको उसी दिन मिल गई। और इस बात के बावजूद कि लगातार यहाँ पर मेले चल रहे थे, यहाँ पे गंगा दशहरे का मेला था, काफ़ी और चीज़ों में हम लोग इंगेज हैं, तो दिन रात पुलिस ने इसमें काम किया। जो पकड़ा गया व्यक्ति था ये एक बड़ी जिसको बोलते हैं साजिश कह लीजिए या एक जो बड़े गैंग का एक छोटा सा ये सदस्य था जो कि बाद में इसमें जुड़ा हुआ था, और इसके द्वारा शुरू में काफ़ी भ्रामक जानकारियाँ भी दी गई, परंतु लगातार इसके द्वारा दी गई जानकारियों को वेरीफाई करते हुए, उनको करेक्ट करते हुए, इससे बार बार पूछताछ करके धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस पूरे गैंग का पता लगाया गया, और कल इसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है लक्सर थाना क्षेत्र से, जिनसे कि घटना में जो लूटा गया सामान है उसमें से काफ़ी सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में ये भी पता चला कि ये लोग मोटरसाइकिलों की चोरी भी किया करते हैं, और पूछताछ में इनसे 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं जो विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई हैं। कुछ 2020 की हैं, कुछ 2022 की हैं मोटरसाइकिलें हैं। इसमें अभी 2 लोग अभी भी पकड़ से बाहर हैं, जिसमें से एक जो इसका मुख्य साजिश करता है, जो कोई बताया गया कि खुद भी वो घायल है इसलिए खुद वो कुछ एक्शन नहीं कर पाता लेकिन सबको इकट्ठा करके ये कार्य कर पाता है, और एक दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में ये शक है कि इसके द्वारा रैकी की गई थी शुरू में, तो इन 2 व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य के लिए जो पुलिस की टीम है इसको 25,000 रुपये इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई है। साथ ही जो हमारे प्रदीप कुमार जी हैं जिन्होंने बहुत साहस का परिचय दिया गया था, उनको DGP महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, और मेरे द्वारा भी इनको कहा गया कि यदि ये गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं इनको उसको दिलाने में पूरी मदद करूँ। सर, जिले में और शराब की दुकानें हैं, आभूषण केंद्र और शराब की दुकानें हैं, आभूषण केंद्र हैं, इनको क्या सर जो ज्वेलर शॉप हैं उन सबको हम लोगों ने ये उनसे अनुरोध किया है कि अपने यहाँ CCTV से हर चीज़ को कवर रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक लीड होता है और बदमाश के लिए भी ये एक डिटरेंट का काम करता है। उसको भी पता होता है कि अगर मेरी फोटो आ रही है तो थोड़ा सा वो घबराता है। इसके अलावा शिवालिक नगर क्षेत्र के लिए हमने रानीपुर थाने में कुछ अन्य कांस्टेबल्स की तैनाती की है, PAC की भी वहाँ पर हम लोग उपलब्धता के आधार पर, क्योंकि कई बार हमको इधर उधर PAC भेजनी पड़ती है, उसके आधार पर उसकी भी हम तैनाती कर रहे हैं ताकि वहाँ पर चौकसी और सतर्कता बढ़ाई जा सके। गार्ड वगैरह की व्यवस्था है सबके पास? सॉरी, गार्ड तो हम लोग जो ज्वेलर शॉप है उनसे अनुरोध करते ही हैं कि गार्ड्स अपने शॉप्स में रखें, लेकिन जो बहुत बड़े शोरूम होते हैं वो तो रख लेते हैं, लेकिन जो तुलनात्मक रूप में मध्यम व्यापारी होते हैं उनके लिए रखना संभव नहीं हो पाता है। तो जितनी भी हमारे पास पुलिस है उससे हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों का एक सुरक्षा का भाव पैदा किया। सर, कितने समय से लोग यहाँ पे रह रहे हैं? ये लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि स्थायी रूप से यहाँ पर ही रहते हैं, बाकी अपने गाँव में रहते हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। सर, इससे पहले भी कोई घटना इन्होंने की है? मैंने आपको बताया ना कि एक मोटरसाइकिल चोरी का इनसे पकड़ा गया है और इनसे 8 मोटरसाइकिलें बरामद की।